अनादि अनंतस्य गुरु परम दैवतम गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। सप्तसागर पर्यन्तः तीर्थस्नादिकं फलम् गुरोरधीपयो बिन्दु सहस्रांशेन दुर्लभम्। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुद्धपत्ते स्वयं ज्ञानमुत्पद्धते स्वयं। य एव सर्वसंप्राप्तिः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। आज भगवान गुरुदेव के चरणों की कृपा से गीता के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक ले रहे हैं। 24th stanza। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया अप्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। सम सुख दुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया अप्रिय धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। सम सुख दुख, सुख हो या दुख हो, दोनों में समान रूप से स्वस्थ यानी अपने स्वरूप में स्थित रहे रहता है। समलोष्टाश्म कांचन, यानी उसको मिट्टी पत्थर और सोना इन तीनों में उसका संभाव। धीरा यानी ज्ञानी, तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय को अथवा अप्रिय को एक सा मानने वाला, तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति में समान भाव वाला, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ और सुख और दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सोने में संभाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला, ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है। श्रीमन नारायण परमात्मा सद्गुरु सच्चिदानंद जो सही बात तो यह है कि आकाश गंगाओं का विस्तार कोई जानता नहीं। आकाशगंगा कितनी है, करोड़ है, अरब है, खरब है, कितनी है, कोई नहीं जानता। और चूंकि आकाश एक एक आकाशगंगा में अरबों
की संख्या में ब्रह्मांड होते हैं, इसलिए भगवान के बारे में यह कहना भी बड़ा असमंजस वाली बात है कि वो करोड़ों अरबों ब्रह्मांड के मालिक हैं। पता नहीं वो कितने बड़े मालिक हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो मालिक हैं सारे जगत के। मालिक यमुद्दीन हैं भगवान श्री कृष्ण। ये एक उर्दू शब्द है, सारी कायनात के मालिक हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए मनुष्य के रूप में बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि जो कि करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों का मालिक है और बचपन में अहिर की छोरियों के सामने एक घूंट दो घूंट छाछ के लिए उनको नाच के बताते थे भगवान। उन्होंने कहा हम कन्हैया तुमको छाछ देंगे पीने के लिए, जरा नाच के बताओ। तो भगवान कृष्ण कन्हैया बचपन में ठुमके लगाते थे, देख लो क्या लीला है। जिसके चरणों की धूल इतनी विराट है कि किसी को मिल जाए तो वो सम्राट हो जाता है सम्राट। ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा नारायण अर्जुन के सामने मानव के रूप में आके, मनुष्य रूप में आके ब्रह्म ज्ञान के अत्यंत मूल्यवान शब्द भी कहना मैं कहता हूं कि वो भी बड़ा निरर्थक सा है। क्या मूल्य है? किसी मरते हुए आदमी से पूछो कि जीवन का क्या मूल्य, एक सांस उसको चाहिए उसका क्या मूल्य है, वो कह देगा मेरी सांस बढ़ा दो, मेरा सब कुछ ले लो। किसी कैंसर पेशेंट से पूछो जिसके बारे में डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब ये आदमी नहीं बचेगा कुछ भी कर, उससे पूछो तेरा जीवन का क्या मूल्य, वो कहेगा सब कुछ ले लो मुझे बचा लो। ये तो एक जीवन की बात है, लेकिन भगवान तो तुम्हें सहस्त्रों जीवन में होने वाली या हजारों लाखों बार मृत्यु और हजारों लाखों बार जन्म से बचा सकते हैं, उसका क्या मूल्य है? कहना मूल्य कहना ए भी शब्द ठीक नहीं होगा और अमूल्य कहना भी ठीक नहीं होगा। क्यों? अमूल्य कहने पर भी जिसका कोई मूल्य नहीं तो मूल्य नहीं मतलब फ्री फोकट में है, ए भी कहना ठीक ना होगा। इसलिए कई बार ज्ञानी महापुरुष मौनी हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य नहीं है कि व्यक्त भी कर सको। और ऐसा ही ये श्लोक है, ये भी मैं शब्द से इसकी व्याख्या करता हूं, लेकिन मैं सच सच कहता हूं कि इनकी व्याख्या ठीक ठीक से हो नहीं सकती, शब्द से इनकी व्याख्या नहीं हो सकती।
ये बहुत निशब्द के सूत्र हैं, ये बहुत मौन के सूत्र हैं, ये ज्ञान में जीने के सूत्र हैं, इनके बारे में बात करना ये बड़ा गजब है। परंतु क्या करें, जिज्ञासु तो केवल भाषा ही समझता है, ये तो भाव तक नहीं समझ पाता। तो भाव नहीं समझ पाता तो प्रेम को क्या समझेगा, वो प्रेम को नहीं समझ पाता तो ज्ञान को क्या समझेगा। जिज्ञासु तो शब्द शब्द तक ही वो सीमित है। इसलिए इन शब्दों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति आ जाए जो निःशब्द तक ज्ञानी सदगुरु के साथ चल सके, क्योंकि यदि मैं कह दूं कि तुम मेरे साथ चल सको तो भी तुम भाग जाओगे, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे कि मैं अहंकारी हूं। यदि मैं कह दूं कि तुम मेरे साथ चल सको तो मैं तुम्हें परमात्मा तक ले जाऊंगा, वो भले ही सच है लेकिन तुम कहोगे नहीं ये तो अहंकारी है, क्योंकि तुम्हारी भाषा, तुम्हारा सोच, तुम्हारे अनुभव केवल मन बुद्धि चित्त तक सीमित होने से जैसे तुम जीते हो, जैसे तुम सोचते हो, जैसे तुम्हारे अनुभव है, जैसी तुम्हारी बुद्धि है, जैसा तुम्हारा चित्त है, जैसी तुम्हारी रुचि है, वैसे ही तुम सद्गुरु के बारे में भी सोचते हो। इसलिए जो आत्मा भाव में निरंतर स्थित होता है, जो अपने होने में खड़ा रहता है, उसको शरीर से कोई मतलब ज्यादा रहता नहीं। शरीर उसके लिए ऐसा हो जाता है जैसे कोई दूर खड़ा होकर गुलाब जामुन खा रहा है, उससे 400 मीटर दूर कोई खड़ा होकर गुलाब जामुन खा रहा है, उसकी सुगंध भी यहां तक नहीं आ सकती। और एक आदमी उससे बहुत दूर खड़ा होकर मात्र उसको देख रहा है, उससे कोई प्रभावित होने का प्रश्न नहीं। इतना दूर तुम्हारा शरीर ज्ञान के बाद खो जाता है। शरीर तो होता है लेकिन तुम उससे अपनी चेतना को छुड़ा लेते हो, उसमें गड़बड़ नहीं होने देते, मिक्स नहीं होने देते, तो फिर कैसे सुख और दुख तुम्हें प्रभावित कर सकेंगे। सुख आएगा तो भी तुम अपने आत्मज्ञान में खड़े रहोगे, दुख आएगा तो भी तुम अपने आत्मज्ञान में खड़े रहोगे। देखने वालों को सुख लगेगा और देखने वाले को दुख लगेगा, शरीर हंसेगा और शरीर रोएगा, शरीर खाएगा और शरीर सोएगा, लेकिन न तुम हंसते हो ना तुम रोते हो, क्योंकि तुम जिस अवस्था में खड़े हो वहां हंसना रोना और सुख दुख होते ही नहीं है। लेकिन कहें कैसे, क्योंकि तुम समझ नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते इसलिए तुम्हारी भाषा में बोलना होगा। अब जब तुम्हारी भाषा में बोलना पड़ेगा तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि सुख दुख को समान समझने वाला, सुख और दुख को समान समझने। क्योंकि तुम्हारी ये पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएं हैं वो बौनी है। एक गाल पे कोई चांटा दे और पूछे कि चलो बताओ दर्द के बारे में वर्णन करो, कैसा दर्द हुआ, तो तुम दर्द नहीं बता सकते। माँ तुम्हारे माथे को चूमे और कोई पूछे कि माँ के प्रेम का वर्णन करो, तो तुम माँ के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। जो भाषा तुम्हारे दर्द और प्रेम को वर्णित नहीं कर सकती, वो अवर्णनीय परमात्मा को कैसे वर्णन कर सकती है। इसलिए सुख और दुख ये मात्र शब्द हैं, लेकिन क्या करें, तुम जिस भाषा में समझते हो। अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि भगवान लक्षण बताओ, बताओ लक्षण कैसे बताए। ये कोई जानवर है कि जिसके हाथ पैर पूंछ के बारे में बता दिया जाए, ये कोई वस्तु है कि जिसके आकार प्रकार के बारे में बता दिया, ये कोई तुम्हारे अनुभव है कि तुम्हें बता दिया जाए कि तुमने फला चीज खाई थी तो उसका जो स्वाद आया था वो ऐसा है,
लेकिन क्या करे, सदगुरु की मजबूरी है। सदगुरु क्या करे, जब जिज्ञासु पूछता है तो सदगुरु को कुछ ना कुछ तो उसको उस अस्तित्व के नजदीक की कोई बात तो बताना पड़ेगी। हालांकि उस अस्तित्व की बात पूरी नहीं बता सकते, पर कुछ कुछ बताना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वहां सुख और दुख का कोई स्थान नहीं है, सुख दुख समान है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। और ये बात अगर तुम समझना चाहते हो, और ये बात यदि तुम जानना चाहते हो, तो 6 महीने साक्षी करके देख लो। अगर तुम ठीक से साक्षी करोगे तो ना तो तुम्हें सुख में अटैच हो गई, ना दुख में अटैच हो गई। तुम्हारे लिए सुख दुख तो साक्षी से ही बराबर हो जाएगा। ये तो ज्ञान तो बहुत आगे की चीज हो जाए। अगर कोई ईमानदारी से साक्षी कर ले तो वो तो सुख और दुख में समान हो जाएगा। अब वो साक्षी में ही समान हो जाएगा, आत्मज्ञान में समान, आत्मज्ञान तक की तो बात ही नहीं हो सकती है। मैंने आपको कहा कि ध्यान के बाद की जो अवस्था होती है, जब ध्यान घटित हो जाता है, उसके बाद की अवस्था के बारे में शब्द से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। आगे भगवान कहते हैं कि मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, भैया तुम्हारी मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जो हैं वो काहे कौन को प्रभावित कर सकते हैं, स्थूल शरीर को। ये समस्त जगत किसको प्रभावित कर सकता है, स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को। मैं तो कहता हूं सूक्ष्म शरीर को भी ये जगत प्रभावित नहीं कर पाता। कारण यह है कि जो आंख खुली है, नाक खुली है, कान खुले हैं, तब तक तुम इस जगत को देख रहे हो। जो आंख बंद करके सो गए, सपने में खो गए, तो ये तुम्हारे मिट्टी पत्थर स्वर्ण तो वहीं बराबर हो गए। अगर कोई आदमी सो रहा है, उसको नींद आ गई, एक किसान है वो मिट्टी पे सो रहा है, उसको थोड़ी मालूम कि मिट्टी पे सो रहा है, नींद लग गई उसको, तो बिस्तर के समान हो गया वो मिट्टी। कोई आदमी नींद में सो गया, उसके पास में पत्थर रख दो या सोना रख दो या मिट्टी रख दो, वो तो कोई मतलब ही नहीं रहा उसके लिए। जब तुम्हारा मिट्टी पत्थर और सोना नींद में भी बराबर हो जाता है, समान हो जाता है, तो जो व्यक्ति ज्ञान में खड़ा हो उस व्यक्ति के लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान क्यों ना होगा, आप खुद ही सोच लो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन वो इतने ज्यादा सतोगुणी होते हैं कि उनकी किसी संसार की वस्तु में उनको कोई ज्यादा रुचि नहीं होती। वो भगवान का भजन इत्यादि भी करा करते हैं, जाप इत्यादि भी करा करते हैं, भगवान के प्रेम में बैठे भी रहते हैं, ध्यान भी नहीं आता तो भी भगवान के को याद करा करते हैं। वो मिट्टी पत्थर सोना इसमें कुछ भी ज्यादा किसी चीज में आकर्षित नहीं होते। लो जो अज्ञानी है लेकिन अभी सतोगुणी है तो वो भी ऐसा हो जाता है। मैं कह रहा हूं ये सूत्र बहुत गहरे हैं। ये मिट्टी पत्थर और स्वर्ण की बात पे मुझे एक छोटी सी लघु कथा याद आती है। मैं दो ब्रह्म वेत्ताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो इस जगत के महान ब्रह्म वेत्ताओं में से एक थे। हमारे यहां सबसे बड़ी विडंबना यह हो गई है, हमने भगवान के ब्रह्म वेत्ताओं को, गुरुओं को संप्रदाय में बांट दिया है, उनके नाम पर संप्रदाय खोल दी। भगवान कपिल मुनि के नाम पर गिरी लोगों ने संप्रदाय खोल लिया, शंकर भगवान के नाम पर शैव लोगों ने संप्रदाय खोल लिया, शंकराचार्य के नाम पर अलग संप्रदाय खुल गया, वाल्मीकि जी महर्षि के नाम पर अलग संप्रदाय खुल गया, कबीर के नाम पर अलग से कबीर पंथ खुल गया, नानक के नाम पर से अलग संप्रदाय खुल गया। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम संप्रदाय खोल लिए, हमने अपनी अपनी जेलें बना ली, लेकिन हमने सभी संत महात्माओं को समग्र रूप से एक समान एक भाव से
ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से उनका आदर नहीं किया, क्योंकि हमें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हमें तो जरूरत ही है कि किसी एक निश्चित संप्रदाय में हम शेल्टर यानी उसके आश्रित हो जाएं और हमारा संगठन बना लें, और जैसे लोग दुनिया के अज्ञानी खेल रहे हैं ऐसे खेल के हम निकल जाएं। तो मैं आपको नाथ संप्रदाय के दो संत के बारे में बता रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये संत किसी संप्रदाय के नहीं है, ये सबके। मेरा ऐसा मानना है कि जितने ब्रह्मवेत्ता सदगुरु हुए हैं वो सबके गुरु हैं, वो किसी एक के गुरु नहीं है। मैं बिल्कुल बेशर्म होकर निर्लज्ज होकर दोनों हाथ जोड़कर आज तक हुए सारे गुरुओं के चरणों में नाक रगड़कर प्रणाम करता हूं। जब से सृष्टि बनी और आज तक जितने सदगुरु हुए हैं वो सब मेरे गुरु हैं। उन सब की कृपा मेरे माथे पर, मेरे सिर पर है, क्योंकि मैं उनका संवाहक हूं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका अधूरा काम पूरा कर रहा हूं। तो जो नाथ संप्रदाय के दो संत हुए, एक का नाम मत्स्येंद्र नाथ, एक का नाम गोरक्षनाथ। जो भगवान मत्स्येंद्र नाथ थे उनके बारे में कहते हैं भगवान शंकर स्वयं आए थे। अब शंकर तो पार्वती के साथ विवाह कर लिए, इसलिए उन्होंने यहां भी एक लीला खेली। और भगवान गोरक्षनाथ थे, वो भगवान विष्णु का अवतार थे, भगवान विष्णु आए। दोनों महान ब्रह्मवेत्ता जिनकी आज तक कोई था नहीं पा पाया है। आज तक आप गोरखवाणी उठा के देख लो, आप कबीर गोरख संवाद पढ़ के देख लो, आप योग बीज उठा के देख लो, आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति उठा के देख लो, आप एक सूत्र को नहीं समझ पाओगे, एक सूत्र का अर्थ नहीं कर पाओगे, एक वाणी का अर्थ नहीं कर पाओगे। जैसे गोरखवाणी में एक भजन है कि बरसेगी कंबली रे भीगेगा पानी, बरसेगी कंबली रे भीगेगा पानी, नाथ कहे अद्भुत वाणी। मेरा जीवन यदि रहा, ये मेरा शरीर यदि रहा ज्यादा समय, तो मैं गीता के बाद भागवत पर प्रवचन देने के बाद फिर तीसरा यदि कोई प्रवचन प्रारंभ करूंगा तो गोरखवाणी पर ही करूंगा। मैं किसी संप्रदाय से बंधा नहीं, सारे संप्रदाय मेरे हैं और मैं सबका हूं। मैं न शैव भी हूं, न जैन हूं, न बौद्ध हूं, न मैं नाथ हूं, न मैं वैष्णव हूं, सारे संप्रदाय मेरे हैं, क्योंकि अस्तित्व किसी संप्रदाय से बनता नहीं। मैं अपने सदगुरु से यह कह के आया हूं कि भगवान ज्ञान आपने मुझे कराया, लेकिन मैं आपके संप्रदाय से भी बांधा नहीं हूं। लेकिन उनने मुझसे जो एक वायदा लिया था कि शिवोहम शब्द को मत छोड़ना, तो बस मैं शिवोहम शब्द को नहीं छोड़ रहा हूं। बाकी अगर कोई कहे कि विष्णुहम, तो मैं विष्णुहम और शिवोहम दोनों का बराबरी सम्मान करूं। यदि कोई कहे अनल हक, तो मैं अनल हक का भी वही सम्मान करूंगा। तो भगवान गोरक्षनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी के जीवन की घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या हुआ कि भगवान मच्छिंद्र नाथ जी जो हैं, वो बिहार करते करते घूमते फिरते और कामरूप देश में चले गए आसाम। वहां आसाम की जो रानी थी उनने इनको कहीं देख लिया, और उस समय यह सिद्धांत था कि वहां पुरुष का प्रवेश वर्जित था। लेकिन जब भगवान
मच्छिंद्रनाथ को रानी ने देखा तो रानी उन पर मोहित हो गई और मोहित होकर उन्होंने अपने महलों में मच्छिंद्रनाथ जी भगवान को वहां ले गई। मच्छिंद्रनाथ भगवान जो है वो रानी के प्रेम में डूब गए, क्योंकि ज्ञानियों का यह रहता है कि प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। मैं क्षमा चाहता हूं, ज्ञानी ये नहीं देखता कि कोई स्त्री है कि पुरुष है कि लंगड़ा है कि लूला है कि काला है कि गोरा है, बस जहां प्रेम है वहां चले जाते हैं, प्रेम के अधीन होते हैं ज्ञानी, और भगवान भी प्रेम के अधीन होते हैं। अगर किसी ज्ञानी को तुम्हें पकड़ना है बांधना है तो प्रेम की डोर से बांध लो, वो बन जाएगा। मेरे भगवान प्रभु दीन बंधु दयालु दीनों के नाथ, वो भी मेरे से प्रेम की डोर से बंधे हो। मैं कभी आंखों में आंसू आ जाए तो आप शंका में मत आना, क्योंकि जिस अस्तित्व ने मुझ पर कृपा की है उसका तो मैं आभारी हूं। तो बस रानी के उसमें प्रेम में बंध गए। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए, गोरखनाथ जी कहीं अता पता नहीं, मच्छिंद्रनाथ जी कहीं अता पता नहीं। गोरखनाथ जी जो है वो अपने ध्यान में बैठे रहते थे, लीन रहते थे, उनको गुरु की याद आई, क्योंकि गुरु का दर्शन तो सब करते हैं, गुरु की याद सबको आती है। कोई ब्रह्मवेत्ता हो और ब्रह्मवेत्ता का बाप भी क्यों ना हो, गुरु का तो बहुत सभी प्रेम करते हैं गुरु से। राम ने भी अपना सिर जो है वशिष्ठ मुनि के चरणों में झुकाया है, कृष्ण ने भी संदीपनी के चरणों में अपना सिर झुकाया। जो भगवान है तो गोरखनाथ जी जो हैं उन्होंने याद किया गुरु महाराज कहाँ है, तो उन्होंने उस समय बड़ी सिद्धियां हैं उनके पास, तो बहुत सिद्धियां, अणिमा लगमा गर्मा और हवा में उड़ सकते, गायब हो सकते, सब हो सकते। ये नाथ संप्रदाय में बहुत सिद्धियां थी। अब क्या हुआ, भगवान जो है गोरखनाथ जी ने पता लगा लिया कि तो कामरूप देश में है और रानी के महलों में रहते हैं। अब गोरखनाथ जी जो हैं वहां पर जाने की कोशिश की, वहां तो कोई पुरुष जा नहीं सकता, तो गोरखनाथ जी ने क्या किया कि गवैये का रूप रखा और ढोलक बड़ी प्यारी ढोलक बजाई, तो रानी की दासियों ने कहा कोई अच्छा ढोलक बजाने वाला आया, तो रानी ने कहा बुलाओ उसको हम सुनेंगे। तो गोरखनाथ जी ने वो जो ढोलक थी बड़ी दिव्य ढोलक थी और उसको अंदर जब ढोलक बजाई तो उसमें से आवाज आई, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख। जैसे ही उन्होंने उस संगीत के माध्यम से अपने सदगुरु को कहा तो गुरु महाराज को होश आया, अरे मैं रानी के प्रेम में तो इतने वर्षों 12-14 साल हो गए मुझे, उनको अपने उस स्वरूप का जो बोध जो वो भूल गए थे रानी के प्रेम में वो बोध हो गया, दोबारा याद आ गई, स्मृति लब्धा हो गया। जैसे अर्जुन कहेगा आखिरी में नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, बाकी उनका तो मोह तो नष्ट हो ही चुका था लेकिन भूल गए थे प्रेम में। गुरुओं का यही रहता है, कोई जरा प्रेम से बात कर ले, अच्छे सच्चे प्रेम से बात कर ले, नकली नहीं सच्चे प्रेम से, हृदय से, तो गुरु रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अब जब गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी आपस में मिले तो उन्होंने कहा नहीं मैं अब अपने गुरु को लेने आया हूं। उन्होंने कहा रानी हम तो जाएंगे, हमारा शिष्य आ गया है। तो रानी रोने लगी, रानी के दो बच्चे थे उनसे, मच्छिंद्रनाथ जी के दो बच्चे थे वहां, तो उन्होंने दोनों कुमारों को भी साथ में ले लिया, दोनों कुमार उसके सामने खड़े कर दिए कि इन कुमारों का क्या होगा, वही हमारे साथ संत बनेंगे, ले गए। अब रानी ने सोचा कि मेरे दो बच्चे जा रहे हैं और मेरे मतलब ये जा रहे हैं, तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो
कि इनको कोई परेशानी हो जाए रास्ते में, तो उन्होंने क्या किया, सोने की एक ईंट जो है इनकी झोली में रख दी, मच्छिंद्रनाथ जी की झोली। देखो ये सब माया और शिक्षा देने के लिए होती। तो अब वो झोली जो है वो गुरु महाराज गोरखनाथ जी को छूने न दें और कहीं भी जाएं वो झोली साथ में ही ले जाएं जिसमें ईंट रखी हुई थी। समझ गए गोरखनाथ जी के कुछ गड़बड़ है। तो एक बार जो मच्छिंद्रनाथ जी कहीं डोल डाल करने गए, वहीं से ब्रह्मपुत्र के वहां किनारे से वहां से आए, गंगा के मुहाने पे आए, और यहां आज बांग्लादेश है ढाका के आसपास, तो वहां आए तो गुरु महाराज स्नान कर रहे थे और वो जो झोली थी वो बाहर रखी हुई थी। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया कि झोली में हाथ डाला, देखे सोने की ईंट, उन्हें उठा के उसको खींच के गंगा में फेंक दी ईंट को। अब गोरखनाथ जब मच्छिंद्रनाथ जी आए और देखा कि झोली टटोली तो उसमें कुछ है नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों गोरख, इसमें जो ईंट थी वो कहां गई? बोले वो तो हमने गंगा में फेंक दी। तो वो बोले कि तूने गंगा में क्यों फेंक दी? तुझे मालूम है कि वो रानी की ईंट थी और रानी ने सोचा था कि कभी परेशानी आएगी तो इस ईंट में से सोना तोड़ के बेच के काम गुजार कर लिया जाएगा। नाराज होने लगे तो गोरखनाथ जी ने कहा कि आप नाराज क्यों होते हो, आपको सोना चाहिए? बोले हाँ चाहिए, ला सोना ला। तो एक बड़े पत्थर पर, बड़ी चट्टान पर गोरखनाथ जी खड़े हो गए। उन्होंने अपना वहां पर मूत्र त्याग कर दिया उस चट्टान पे, और जैसे ही वो मूत्र चट्टान पे गिरा वो चट्टान सोने की हो। उन्होंने कहा गुरु महाराज जितनी भी जितना भी सोना चाहिए ले लो। तो गुरु महाराज के दिमाग घूम गया, ओ बाप रे मेरा शिष्य इतना, और मैं इजरा से सोने के लिए मरा जा रहा, और मेरे शिष्य ने बता दिया कि सोना तो बिल्कुल मलमूत्र के समान है, त्याज है, ज्ञानी को सोने की जरूरत नहीं, ज्ञानी को हीरे मोती की जरूरत नहीं, वो मिट्टी है ज्ञानी के लिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारा शरीर नहीं रहेगा ना तब तुम जानोगे कि हम कौन थे, अभी ना जान सकोगे। अभी तो तुम ये सोचते हो कि जैसे तुम्हारे अंदर विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वो सतगुरु में भी होंगे, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा जैसा चेहरा है वैसा हम दर्पण है, तुम अपने आप को हमारे अंदर देख लेते हो। तो इस तरह से गीता का यह सूत्र जो कह रहा है कि मिट्टी पत्थर और सोने को समान समझने वाले, उनको मतलब ही नहीं है ना। अगर कोई ज्ञानी और सिद्ध दोनों साथ में भी हो और उसके पारस पत्थर भी अगर उसको मिल जाए तो पारस पत्थर को भी नहीं स्वीकार करता, उसको मतलब ही नहीं है। प्रकृति का दिया हुआ शरीर कल गिरता हो तो आज गिर जाए, उसको मतलब भी नहीं है शरीर से। क्या करना है? जब तक ये शरीर है, कौए के अंडे में है, कौए के घोंसले में कोयल के अंडे रखे हुए हम, ये माया जो है कौए का घोंसला है, और ये हम ब्रह्मज्ञानी कोयल के अंडे रखते थे। जब अंडा फूटता है बच्चा निकलता है तो कौए काव काव करते हैं, कोयल कू 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 करती है, और कौए जब तक मारने दौड़ते हैं उन बच्चों के तब तक वो उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें उतने पंख आ जाते हैं बोलने के समय तक। जब तक तुम जानोगे कि यार ये तो ब्रह्मवेत्ता है, मार डालो इसको, ये तो संसार में हमारे सारी माया को उड़ा देगा, नष्ट कर देगा, तब तक हमारे उड़ने का समय आ जाएगा। मानो तो मानो, तो ये स्थिति होती है कि ये मिट्टी पत्थर और सोना, इसमें संभाव वाला होता है ज्ञानी, है ना। और आगे भगवान कहते हैं कि प्रिय और अप्रिय को एक सस मानने वाला, हमको क्या प्रिय और क्या अप्रिय? प्रिय और अप्रिय तो शरीर के लिए होते हैं। आपने बहुत सारे ज्ञानियों को देखा होगा, वो कपड़े भी नहीं पहनते,
और बहुत सारे ज्ञानियों को देखा होगा वो सिंहासन पर जनक के समान बैठ जाते हैं, और बहुत सारे ज्ञानी ऐसे होते हैं शंकर भगवान जैसा भभूत नमा के बैठते हैं, और बहुत सारे ज्ञानी ऐसे होते हैं जिन पर 40,000 करोड़ भी होते हैं लेकिन वो ज्ञानी होते हैं, और बहुत सारे ज्ञानी ऐसे होते हैं कि जो कपड़े पैरों तक पहनते हैं उनके पैर भी नहीं देख सकते आप, और बहुत सारे ज्ञानी ऐसे होते हैं कि जो कि एकमात्र लंगोटी लगा लेते हैं। क्या प्रिय और क्या अप्रिय। भगवान कबीर साहब कहते हैं कुछ लेना न देना मगन रहना, है ना। तो प्रिय और अप्रिय से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रिय और अप्रिय तो तुम्हारे शरीर अंतःकरण तक ही होता है। तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम्हें, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वो तुम्हें प्रिय हो जाता है, और जो तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगता है वो अप्रिय हो जाता है। और जिस मन में तुम जीते हो उस मन में तो ज्ञानी रह जीते नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो अमन में जीते हैं, मन तो उनका मर गया। इसलिए तुम्हारा जो प्रिय अप्रिय है वो एक सा हो जाता है ज्ञानी के लिए। अब क्या कहें, इसी ढंग से कहना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण को। अगर वो ये कह देते कि प्रिय और अप्रिय से हट जाते हैं, वो प्रिय अप्रिय कोई मूल्यवान नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता, तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। और सीधी सीधी बात कह देंगे भगवान अगर, तो शायद तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सीधी सीधी बात कहता हूं तो कहां समझ पा रहे हो। और निंदा स्तुति, अब निंदा स्तुति वही वाली बात हो गई। जो आदमी मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हो गया, तुम उसकी निंदा कर लो चाहे स्तुति कर लो। एक बहुत प्यारी सी बात याद आई। एक संत थे, वो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम कर रहे थे। एक जिज्ञासु ने पूछा, भगवान आप तो ये बताओ कि कर्म का तो ऐसा सिद्धांत है कि पाप और पुण्य ये तो भोगने पड़ते हैं, तो आपके पाप और पुण्य का क्या होगा। तो संत ने कहा, देखो भैया ये दिवाली के मौके पे आप क्या करते हो, घर की साफ सफाई करते हो, वहां करते हैं, वो सारा जो अनुपयोगी सामान है वो कहां रख देते हो, भंगार सामान। बोले घर के बाहर रख देते। पहले के जमाने में ये भंगार खरीदने वाले कोई आते नहीं थे, कचरा कूड़ा का सामान बाहर पटक देते थे, जिसको मर्जी हो जो जरूरत हो ले जाए। आज भी बड़े घरों में देखो तो जो जूते मोजे कपड़े लत्ते हैं जो कि अब बिल्कुल मतलब जो कि उनके नाप से बाहर हो गए, ना कपड़े भी छोटे छाटे पड़ गए, ना जूते भी थोड़े पुराने हो गए, अब उनको पहनना नहीं, तो कुछ लोग ऐसे बाहर रख देते, कोई गरीब उठा ले जाएगा। तो ऐसे संत बोले कि भैया हमारे पाप और पुण्य जब ज्ञान हो गया हमको तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्यों न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। तो जो हमारी निंदा करते हैं वो तो हमारे पुराने जन्मों के पाप ले जाते हैं, और जो हमारी स्तुति करते हैं वो हमारे पुराने जन्मों के पुण्य ले जाते हैं, क्योंकि हमें पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। तो जो ज्ञानी होते हैं उनको निंदा से मतलब नहीं, खूब करो प्यारे, खूब निंदा करो जितनी हो सके उतनी निंदा करो, और स्तुति से भी मतलब नहीं है। तुम कितनी भी स्तुति कर लो अगर तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होगे तो हम देंगे नहीं आपको, कराएंगे ही नहीं। तुम ध्यान नहीं करो और तुम सोचो कि हम तुमको ब्रह्म ज्ञान बता दे तो हम तो बताएंगे नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि तुम्हारा बर्तन तो टूटा फूटा है और उसमें दूध डालेंगे तो वो तो ढुल जाएगा, जमीन में चला जाएगा। तुम्हारा तो नंबर एक का लालची लोभी हो, तुमसे हम त्याग की बात करेंगे तो हमारा तुम बात करने ही बेवकूफी मूर्खता हो जाएगी। तो जो ज्ञानी होते हैं वो निंदा स्तुति से में समान होते हैं। तो ये तो बात हुई। अब मैं इस प्रवचन में थोड़ी और बात बता दूं आपको कि यहां जो कहते हैं कि सम सुख दुख स्वस्था, तो उसमें स्व नाम आत्मा का है, अर्थात तो जो ज्ञानी होते हैं वो आत्मा में स्थिति उनकी होती है, और आत्मा का कोई भाव नहीं है, आत्मा में जगत का अभाव है। तो जो आत्म स्थिति में जीने वाला होता है उसमें सुख और दुख दोनों आने और जाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, समता में जीता है, जिससे बादल आते हैं वर्षों में और चले जाते हैं लेकिन आकाश कभी भीगता नहीं,
आकाश को कभी भीगता देखा है क्या? तो ना तो सुख में सुखी होता है ना दुख में दुखी होता है। कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन बातों को लेकर व्यवहार में उतार लेते हैं और हठपूर्वक वो सुख और दुख में की परवाह नहीं करते। तो ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि आपने जड़ तो काट दी और पत्तों को पानी दे रहे हो। अब आप ध्यान में तो कर नहीं रहे और जबरदस्ती हटियो कर रहे हो, सुख में सुख नहीं रहे, दुख में दुखी नहीं होने की कोशिश कर रहे हो और मूर्खता पूरी भरी हुई है। तो समता की जड़ जो है वो ज्ञान में है और बिना ज्ञान में जिए आप और सुख दुख में सम रह ही नहीं सकते, नाटक भले कर लो। इसलिए अंतःकरण ऐसा विक्षेप फेंकता है कि आप बाद में जिनके समान नजर आते हो, जब अंतःकरण ऐसा धुआं छोड़ता है तो दुगनी दुर्गति से लोगों के सामने खड़े होते हो। अब जब स्वरूप में आप जी रहे हो तो मैंने बताया कि मिट्टी और सोना दोनों आपके लिए अपने आप में मायने रहित हो गए, अपने आप समान हो गए। यदि अज्ञान में जी रहे हो तो तुम मिट्टी को भी सोना के समान रखोगे और सोने को तो रखोगे ही रखोगे। देख लो हरिद्वार में ऋषिकेश में मिट्टी के आश्रमों के लिए शिष्यों ने अपने गुरुओं को मार डाला और उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, तो प्रमाण है कोर्ट में। तो मिट्टी के टुकड़े के लिए तुम जान ले लेते हो यार, और बड़े बड़े और बड़े बड़े संत कहलाते हो, महंत कहलाते हो, है ना। इसलिए संसारी तो क्या, संसारी तो चलो मिट्टी के टुकड़े के लिए, खेत के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए लड़ रहा है, लेकिन संत भी लड़ते हुए नजर आते हैं जिनको तथाकथित संत कहते हैं। और प्रिय और आने पर तो बहुत खुश हो जाते हो, व्यक्ति वस्तु घटना, और अप्रिय होता है तो रोने लग जाते हो। परंतु ज्ञानी चूंकि वस्तु व्यक्ति घटना सबसे परे हो गया है, ध्यान के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, आत्मज्ञान के द्वारा, इसलिए उसके जीवन में और आपके जीवन में और ओढ़ी गई समता जो ऊपर ऊपर जो लोग बड़े साफ सफेद कपड़ा पहन और बड़े मुंह बिल्कुल शांत एकदम माला वाला डाल के बड़े बिल्कुल एकदम मौन चुपचाप बैठेंगे, अंदर से अंतस चढ़ रहा है, ऊपर से बिल्कुल बढ़िया मौनी बाबा बने हुए बैठे, मुझे एक मौनी बाबा का दृष्टांत याद आ गया। ये तुम्हें समझने में मदद करेगा कि हठपूर्वक ज्ञानी का नाटक करना और ओरिजिनल जो ज्ञानी होता है उसमें कितना। एक गांव में, बड़े गांव में एक मौनी बाबा पधारे और मौनी बाबा वहां के बड़े प्रसिद्ध और बड़े मंदिर में आकर रुके। बोलते थे नहीं, वो अकेले थे। अब सबने वो बाबा को बड़ा, वो मौनी बाबा भैया क्या पता नहीं कब से बोले नहीं, पता नहीं कब बोल पाएंगे, कि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कि मृत्यु पर्यंत ही नहीं बोलेंगे। ये तुम्हारा समाज जो है वो ऐसे ही लोगों का सम्मान करता है जो तुमसे कुछ अलग हटके अपने आप को दिखा लेते हैं, चाहे वो मौनी हो, चाहे खड़े सुरी हो, चाहे आड़े सुरी हो, चाहे जल में समाधि लेने वाला हो, चाहे अब क्या क्या कहूं, कितने कितनी बातें, चाहे वो ट्रक खींच लेता हो उपस्थ से, चाहे वो जो है पत्थर सीने पर रख के तोड़ देता हो, अब तो बाजीगर भी ये काम कर लेते हैं, पर पुराने जमाने की बात। तो मौनी बाबा आए तो सब लोग उनको होड़ लग गई साहब उनकी स्वागत सत्कार में,
कोई चाय पिला रहा, कोई दूध पिला रहा, कोई रबड़ी खिला रहा, कोई मिठाई ला रहा, कोई जलेबी खिला रहा, कोई कुछ कर रहा। और साहब उनके तो दिन बंद गए, अभी तो सुबह मोनी बाबा नाश्ता करने मंगलू के घर जाएंगे और जंगलू के घर भोजन होगा और संगलू के यहाँ रात का भोजन होगा। तो मोनी बाबा तो एक ही बार भोजन करते थे, सब लोग जिद करने लगे नहीं नहीं तो मोनी बाबा तो एक ही बार, क्योंकि कुछ ना कुछ तो तरकीब बनाना पड़ती ना तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि तुम तो दो बार तीन बार भोजन करते हो, और कोई एक बार भोजन करे तो तुम लोगों में वो बड़ा विशिष्ट हो जाता है, और भोजन नहीं करे तो अति विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी समझ इसी ढंग की है। तो मोनी बाबा एक ही बार भोजन करते थे, तो ऐसे उनके क्रम एक बार में अच्छा सा दोनों बार का भोजन डट के खा के आराम से मंदिर में विश्राम करते थे। शाम में लोग आके उनके पैर दबाते थे, सब सेवा होती थी, कोई उनके भक्ता के मालिश करते थे, कोई स्नान कराता था, सब उनकी व्यवस्था होती थी। और तुम करते भी हो, ज्ञानियों के तो कभी पैर नहीं दबाओगे, ज्ञानियों का तो तुम गला दबाने के चक्कर में रहते हो, क्योंकि बोलते हैं ना वो मौनी नहीं है, तुम्हारी हर बात को टोक देते हैं, इसलिए तुम उनके दुश्मन हो। और तुम्हारी बात, तुम जो भी कुछ करो करो, उनको मतलब नहीं, मरो कुएं में जाओ, गिरो गड्ढे में गिरो, तुम तो माल इधर दे दो तो बस तुम भी खुश और वो भी खुश। तो एक बार क्या हुआ कि वहां एक 10 गांव का जमींदार, उसने कहा मोनी बाबा से कि भोजन आप हमारे यहां कर लेना कल। बाबा गर्दन हिलाए इसके पहले कि एक कुम्हार खड़ा हो गया हाथ ऊपर करके, बोले महाराज मैंने 12 साल से किसी साधु को भोजन नहीं कराया है, और मैं जो है कल बड़ा मेरे पिताजी का दिन है, मैं कल आपको भोजन कराना चाहता हूं और मैं अच्छे से दक्षिणा भी दूंगा। वो जिद करने लगा तो जमींदार ने कहा चलो हमारे परसों कर लेना, इनके कर लो। मुनि बाबा सुबह का नित्य क्रम से निपट के स्नान वगैरह करके तैयार होके बैठे, सुबह के 10 बज गए किसान का पता नहीं, 11 बज गए किसान का पता नहीं, 12 बज गए उसका मतलब कुम्हार जो था या किसान जो भी था उसका पता नहीं, 2 बजे वो आया हाँपता हाँपता, चलो महाराज चलो महाराज। मुनि बाबा को लग रही भयंकर भूख, ले गए बिठा दिया, हाथ पैर धुलाए, बड़े अच्छे चरणों को धोया, चरणा मत लिया, बड़े अच्छे से बिठा दिया, आसन लगा दी मोनी बाबा के सामने, थाली ला के रख दी। अब थाली में क्या हुआ कि एक अनाज आता है बड़ा कड़क आता है, उसको बाजरा बोलते हैं, बाजरा हिंदुस्तान के कई स्थानों में उसको खाया जाता है, ठंड में उसको खाते हैं और बाजरे का हलवा भी बनाते हैं। तो बाजरे की मोटी रोटी, हथेली बराबर मोटी रोटी, सूखी, जिसमें कोई घी नहीं कुछ नहीं, बाजरे के साथ घी अनिवार्य होता है, अगर बाजरे में घी ना हो तो आप खा नहीं सकते ठीक से, और तेज हरी मिर्ची का जो लौंगा मिर्ची आती है, तेज मिर्ची की चटनी उसने महाराज को भोजन में परसी। अब महाराज तो भूखे थे, उनको मालूम है कल इतने बजे तक अब भोजन नहीं मिलना, तो मोनी बाबा गुस्से में तो थे लेकिन उन्होंने सोचा यार कि कुछ अच्छा खिलाएगा, 12 साल में भोजन करा रहा है किसी को, संत को। अब साहब मोनी बाबा क्या करें, भूख तो लग रही, तो उन्होंने क्या किया कि आज पानी लिया, आचमन किया और वो रोटी उठाकर चटनी से खाई। इतने में उनकी योजना सब बिल्कुल बनी हुई थी, उनका 6 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया और मोनी बाबा का जो लोटा था उस लोटे में लात मार दिया तो वो लोटा ढुल गया। मोनी बाबा ने जैसे ही वो 2 कौर खाए आग लग गई उनके मुंह में, क्योंकि मिर्ची बहुत ज्यादा तेज थी, जलन होने लगा, मुंह जलने लगा। वो जो किसान था वो जोर से अपनी पत्नी को बोला अरे लाड पानी ला, बाबा का पानी ढोल दिया मुन्ने ने। अब वो भीतर से आवाज लगाती है पानी कहां से लाऊं, पानी में कुत्ता मुंह डाल गया है, कुआं जाना पड़ेगा पानी लेने को। तो बोलती है, बोलता है जल्दी कुआं जा पानी दूसरा लेके आ।
बेचारी वो उसकी पत्नी दौड़ के कुआ जाने लगी। मोनी बाबा ने इशारा किया कि हम चले नहीं, हाथ पकड़ लिए किसान ने मोनी बाबा के, नहीं बाबा बैठो, चरण पकड़ लिए, वो पानी लेके आएगी, ऐसे कैसे आप झूठे मुंह यहाँ से जा सकते हो, भोजन करके आचमन कुल्ला करके ही जाना, वो तो योजना थी उनकी। बाबा को वहां से उठने नहीं दिया। अच्छा 15 मिनट आधे घंटे तक उसकी पत्नी नहीं आई पानी लेके, कुआ थोड़ा दूर था, जानबूझ के नहीं आई क्योंकि बाबा की परीक्षा ले रहे थे वो। अब बाबा के मुंह में हो रही जलन, आंखों में से आंसू, नाक में से पानी निकलने लगा, बड़ी मुश्किल से गले में कौर अटक गया बाबा के। बाबा को बड़ी मुश्किल से जान पे, अब मरे के तब मरे, बहुत बाबा ने धक्का दिया किसान को मिला के, और दौड़ के आया वहां पर मंदिर गए। मंदिर में जाके झट से उन्होंने गटागट पानी पिया, जो भी कुछ शक्कर वक्कर रखी थी वो खाई और अपने बैठ गए। आंखें लाल हो गई गुस्से में। शाम को सभा हुई, सब लोग आ गए। जमींदार आया, वो जो भोजन के लिए ले जा रहा था, उसने कहा बाबा कल हमारे यहाँ भोजन करना है। सब लोग कह रहे हमने बाबा को ये खिलाया होगा, वो किसान भी वहां बैठा हुआ। अब बाबा इतने लोगों के बीच में कुछ बोल नहीं सकते हो कि किसान के बारे में। किसान खड़ा हुआ, अरे तुम मूर्खो क्या भोजन कराओगे बाबा को? बाबा को भोजन हमने कराया है, हमने बाबा को जो भोजन कराया, भोजन तुम्हारा बाप भी नहीं करा सकता। उसमें खीर थी, पूड़ी थी, बादाम का हलवा था, गुलाब जामुन था, हम बाजार गए थे, शहर गए थे, वहां से तरह तरह की मिठाई लाए, सब हमने बाबा को खिलाई, बाबा तृप्त हो गया। अब बाबा जो है धीरे से उठा और डंडा लाया और जोर से चिल्ला कर बोला, हराम खोर झूठ बोलता है, 2-3 डंडे फटकारे। उसने डंडे खा के हाथ जोड़ के बोला, बाबा बस यही हम चाहते थे कि आपने जो नकली मौन ओढ़ रखा है वो आपको पता लग जाए, क्योंकि आपका सही मौन नहीं, किसी ब्रह्मवेत्ता का शिष्य था। उसने कहा बाबा आपका सही मौन नहीं है। सही मौन तो वो होता है जब व्यक्ति वाणी मौन हो, फिर विचार मौन हो, इसके बाद वृत्ति मौन हो, इसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ उसका मौन हो जाए। तो इस प्रकार से अब भगवान अर्जुन को कितनी गहरी देशना दे रहे हैं, कितनी गहरी शिक्षा दे रहे हैं कि कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, लेकिन यदि तुम ज्ञानी नहीं हो तो तुम उस पर प्रभावित अवश्य हो जाओगे, लेकिन अज्ञानी हो तो मर जाओगे निंदा स्तुति के चक्कर में। और यदि तुम ज्ञानी हो गए, अगर तुमको आत्मज्ञान हो गया, तुम मन बुद्धि से हट गए, तो निंदा और स्तुति तो मन बुद्धि तक सीमित रहती है, चित्त अहंकार तक रहती है। जब तुम अहंकार से परे हो गए तो अपने आप तुल्य निंदा स्तुति हो जाओगे। तुम धीरस तुल्य निंदा स्तुति, वो तुम उतनी धीरता आ जाएगी, उतना तुम्हें ज्ञान आ जाएगा, उतना तुम्हारे अंदर से अलगाव आ जाएगा, उतना तुम्हारे अंदर से डिटेचमेंट हो जाएगा, तुम माया से एकदम हट जाओगे। कोई आपकी शान में अगर गुस्ताखी कर दे, यदि आपके शान में कोई तारीफों के पुल मान दे, कसीदे पढ़ने लग जाए, स्तोत्र पढ़ने लग जाए, आपके नाम की कविताएं बोलने लग जाए, आपकी वाहवाही करने लग जाए, तो ना तो आप फूल के फूल चंजी होते हो, ना सुकड़ कर सुकड़ूमल होते हो। इसलिए ऐसी धीरता तो ज्ञान से ही आती है मेरे भैया। इसलिए भगवान सदगुरु जी ये गुणातीत पुरुष के लक्षण जो बता रहे हैं कि सुख दुख और में समान, सोना मिट्टी में समान, प्रिय अप्रिय स्तुति और निंदा में समान, ये तो तभी हो सकता है कि जब आप स्वरूप में जीना सीख लो। और स्वरूप में यदि आपको जीना है तो आपको साक्षी का ध्यान सीखना होगा, और साक्षी का ध्यान सीखने के बाद आपको वास्तविक जो ध्यान है उसमें आपको उतरना होगा, और जब आप उसमें उतरोगे तो फिर भान अवस्था आपके अगर आएगी तो फिर हमारा काम होगा। क्यों? कि ध्यान के साथ ही तुम्हारे संसार की समस्त भाषाएं, अनुभव
और तुम्हारा मन बुद्धि का जितना भी माल मसाला है वो किसी भी काम नहीं आता, वो गूंगे का गुड़ है, वो वर्णनातीत है, वो वाणी का विषय नहीं है और अनुभव का भी फिर विषय नहीं है, अनुभव से भी परे है। तो यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हमारे जो ये वीडियो हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों को भी सुनाना, खुद भी सुनना। और कम से कम कुछ नहीं होगा, अगर तुमको ज्ञान म्यान भी नहीं चाहिए तो इतना हो सकता है कि अगर तुम मेरा ये ध्यान सीख लो तो तुमको शांति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमने एक मिशन अपने जीवन का रखा है, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है कि हम वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन, पूरे संसार को हम इस ध्यान के विधि के द्वारा शांत करना चाहते हैं। इसमें यदि आप जुड़ना चाहो तो आप प्रेम से इसमें जुड़ सकते हो। और सच्चिदानंद आध्यात्म सेवा ट्रस्ट करके हमारा ट्रस्ट है, संस्था है, उसमें आप जुड़ सकते हो। और भगवान के इस अमृत से भी अमृत वचन, जो गीता के 14वें अध्याय का ये जो 24वां सूत्र है, इसको बस यहीं पर विराम देते हैं। और बहुत विनम्रता पूर्वक आप सब लोगों के अंदर जो मौजूद परमात्मा है उसको सम्मानित करते हुए प्रणाम करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति थे, वो कहते थे बाहर नहीं है क्या? भैया बाहर भी है, लेकिन बाहर तेरे शरीर में रोटी लटका देंगे तो तेरा पेट नहीं भर सकता, परमात्मा अंदर है। इसलिए भगवान कबीर ने कहा है, बाहर ढूंढने जामत सजनी, पिया घट बीज विराज रहे हो रे, तेरी काया में गुलजार। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सब लोगों को प्रणाम और आप सब लोगों को प्यार, और यदि इस काबिल मानो तो आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद भी। शुभम शुभम।